यूं तो कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता, ईंट ईंट से महल बने, तार तार से ताना बनती, मकड़ी सुंदर जाल बने। देखिए हवा में लटकी ये मकड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, वास्तव में ये मकड़ी हवा में नहीं, आज सुबह के बाद ये चेयर यहीं पड़ी हुई थी तो इस चेयर के साथ लटक के इस मकड़ी ने, इस छोटी सी मकड़ी ने अपना सुंदर जाल बना दिया। देखिए ये पूरा जाल शायद इसमें आ रहा होगा, ये मकड़ी है और मकड़ी ने आसपास अपना ये जाल कैसे बना लिया ये आप देखिए। ये जाल के बीच में मच्छर फंसे हुए हैं, ये जाल की निशानी है, क्योंकि जाल इतना बारीक तारों से बनाती है कि जो नज़र भी नहीं आता। ऐसे आपको लटका हुआ दिखाई नहीं देगा कोई जाल है, जब तक दिन की लाइट ना हो तो ये दिखाई नहीं देगा। इस समय रात का समय और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरे सामने तो ऐसा मौका आना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है कि जो ज्ञान मैं आप लोगों तक बांट सकूँ। ये जीवों, ये जो छोटे छोटे जीव होते हैं जिनको हम इंसेक्ट कहते हैं, कितने ख़तरनाक होते हैं। और ये माना जाता है कि अगर ये मकड़ी किसी को काट जाए तो उसकी स्किन पूरी ख़राब हो जाती है अगर इलाज ना किया जाए। ये छोटी सी मकड़ी, पहले मैंने एक बार दिखाया था कि मक्खी को खा जाती है, ये थोड़ी उससे बड़ी लग रही है, इसने कई मच्छरों को अपने जाल में ट्रैप कर लिया है। तो ये भी एक किस्म से ट्रैप करने वाली बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। हमने लोगों का सुना था तो ये मकड़ी भी देख लो ट्रैप करती है, ये सारे मच्छर इसके जाल में फंसे हुए। लगभग 2 फुट बाई 2 फुट का जाल इसने बना लिया है। हालांकि रोज़ सफाई होती है, लोग रोज़ यहाँ आते जाते हैं। ये देखिए ये घर का आंगन है, गेट है, गेट के पास से अंदर आते हैं, पोर्च है, और यहाँ से सारा दिन हम लोग आते जाते रहते हैं। ये 2-3 घंटे के अंदर अंदर इसने अपना ये मकड़ जाल बना लिया। बड़ी कारीगरी है, कितना कहाँ से शुरू हो रहा है मुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा। हाँ ये है, ऊपर हाथ लगा के देखो पता चलता है कि यहाँ से है। ये देखो जाल, ये भी जाल हिलेगा, देखें हिल रहा है ना। तो ऐसे इतना सुंदर जाल हवा में टांग दिया, क्या कारीगरी। अब मकड़ी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, कभी इधर जाती है परेशानों की, कभी उधर जाती है, और आगे अपनी सीमा को बढ़ा रही है। जैसे चीन हमेशा कोशिश करता है इंक्रोचमेंट करने की, भारत के अंदर बढ़ता रहता है, तो ऐसे ये भी अपना साम्राज्य बढ़ा रही है। देखिए कैसे ये बढ़ा रही है, देखते हैं किस तरह से अपना ये जाल बनती है। ये देखो ये छोटा जैसे चमगादड़ ऐसे लगती है ना, इसके ध्यान से पैर देखो तो कैसे लगती है, बहुत ही सुंदर और रोचक जीव है। मतलब देखने में बड़ा करके देखो, ये मैग्नीफाई किया हुआ है, लगभग 10x मैग्नीफाई किया हुआ है, और कितना सुंदर दिखाई दे रही है मकड़ी। अभी मेरे पास इस समय ये फ़ोन का स्टैंड नहीं है, लेकिन मैं बहुत अच्छी वीडियो शूट करता, बाकी फिर भी मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि मकड़ी किस तरह से अपना जाल बुन रही है और किस तरह से ये मच्छरों को ट्रैप कर रही है। अब ये नहीं मालूम कि इसके बाद मच्छरों का क्या हाल होगा, इनको खाएगी धीरे धीरे या बस इसमें मार के ये खुश हो जाएगी। और मच्छर खुद फंसते हैं, इसके बीच में आते हैं और फंस जाते हैं। अब इसकी डेंसिटी क्या होती है जाल की, हाँ इसका मतलब तारे बहुत नज़दीक हैं। देखो मैं उंगली लगा रहा हूँ और ये पूरा जाल हिल रहा है, ये देखिए, और ये मकड़ी भी एक्टिव हो रही है। कहाँ तक इसने अपनी सीमा बढ़ा ली है देखो, अभी ये 10 टाइम्स बड़ा हो गया, इससे ज़्यादा मेरे फ़ोन से हो नहीं पाएगा, मुझे कुछ कैमरा ख़रीदना पड़ेगा। ये देखिए, ओह वाह क्या दिखाई दे रहा है, अगर इसके स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करके देखा जाए तो कितना मज़ा आएगा। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि इसको कभी पकड़ के मैग्नीफाई करके और देखूँ इसको, उसके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये हमारा बन्नी भी, एक बड़ा सा जीव भी बैठा हुआ बीच में, और ये पूरा देखिए सारा घर आने जाने का रास्ता है। 2-3 घंटे के अंदर अंदर कैसे इसने मकड़ जाल बना दिया इस मकड़ी ने, हैरानी की बात तो ये है कि कितना ये फास्ट अपना ये काम करती है, ये समझ नहीं आता। ये देखिए शायद आपको दिखाई दे अब, ये हाँ, ये हेल्प कर रहे हैं, ये विदुषी मेरी हेल्प कर रही है, ये वैसे भी बायोलॉजी की स्टूडेंट रही हैं, इनको भी बड़ा अच्छा लग रहा है मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये मेरी छोटी भाभी हैं, और ये देखिए ये लाठी से उसको उठाने की कोशिश कर रही हैं, उसका बिहेवियर देखना चाहती हैं कैसे बिहेव करेगी। एकदम से ऊपर चढ़ गई देखिए कहाँ, और ये हवा में है, दीवार से बहुत दूर है, दीवार से 2 फुट दूर जाल, हवा में रास्ते में लटका हुआ है। कहाँ से इसने कनेक्शन बनाया ये मैंने अभी देखना है, अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि इसका कनेक्शन कहाँ। ओह माय गॉड, छत से या दीवार से कैसे हवा के बीच में लटका दिया इसने, ये देखो ना ये दीवार है, अब कहाँ से इसने जाल बनाया। ओह माय गॉड, अच्छा ये जाल कोलैप्स हो गया, अब ये जाल कोलैप्स हो गया है ये स्टिक से, लेकिन ये अपने जाल को छोड़ेगी नहीं है फिर। हाँ ओह, डंडे को भी इसने जाल में पकड़ लिया है, डंडा छूट नहीं पा रहा है, जाल बड़ा स्टिकी होता है ये बता रहे हैं जो विदुषी मैडम ने पकड़ा हुआ। ये देखिए कैसे
अभी अपना फिर कोशिश करेगी, रेनोवेट करेगी अपने जाल को, फिर से ये ख़त्म नहीं होने देगी, ये हार नहीं मानती। द किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, ये तो स्टोरी आपने सुनी होगी कि 100 बार नीचे गिर के फिर ये मकड़ी ऊपर उठेगी, तो वही मकड़ी है ये। तो हमें तो काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिलता है, है तो बड़ी खतरनाक जीव है लेकिन काफ़ी अच्छी सीख दे रही है कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। कितना विस्तृत समझ जाएगा, एक डंडे से इस कुर्सी छोटा रहेगा लेकिन ये अभी हार नहीं मानती, फिर गुन्ने में लगी हुई है। तो रियली अमेजिंग, देखकर बहुत अच्छा लगा, और कुछ और ऐसी वीडियो होगी तो मैं आपके लिए जरूर तैयार करूँगा। थैंक यू एवरीबॉडी।